गुड मॉर्निंग गाइस, आज आपको मैं सूजी और मैदे का केक कैसे बनाते हैं घर पर ये बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक कप दूध का लिया और फिर लिया मैंने शुगर पाउडर। शुगर पाउडर भी एक कप लिया। और एक कप सूजी, और हाफ कप रिफाइंड का। आप इसमें अपना मनपसंद ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये डाल दिया, और वलीना का फ्लेवर का जो लिक्विड होता है उसको डाल दिया एक चम्मच। और फिर मैंने डाल दिया पाउडर, सोडा वाला पाउडर एक चम्मच, और अब फ्रूट कलर भी डाल दिया है। तो मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो एक हाथ से मेरे फोन पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं काम कर रही थी। सेल्फ स्टिक वाला ट्राईपॉड है, वो बार बार ऐसे ही गिर जाता है, टिकता ही नहीं है। और अब कंटेनर ले लिया है मैंने केक का, अब इसमें मैं लगा दूंगी रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, वो लगा दिया है इसमें। जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, उनको ना बहुत होता है, सबको शौक है, पर उनको चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ऐसी चीज़ें जोड़ी हुई, बड़ा शौक होता है भी, चल अपने घर में कोई चीज़ हो या हम आराम से बना लें घर पे। तो अब मैं इसमें, और अब मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया, इसके ऊपर भी मैं हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी, जिससे ये जो मैं पेस्ट डालूंगी वो चिपके ना। ये वीडियो मेरे काफ़ी टाइम पहले की है, पर मैंने नहीं डाली थी, मेरे पास इतना रिचार्ज नहीं होता है अब। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पेस्ट, और अब मेरे इसमें रखने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने गैस वाली जो प्लेट होती है उसको उल्टा करके रख दिया है, और अब मैं इसमें रख दिया है गैस पे। तो 45 मिनट सिम गैस पे रख कर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी सिम पर। अगर आप तेज़ रखोगे तो जल जाएगा, तो सिम पे रखें, आप बार बार उसको चेक करते रहना। ये बनने वाला है थोड़ी देर से, मैं देख ही रही थी इसको। ये हो गया मेरा तैयार, सूजी और मैदे से बना हुआ केक। मेरे से ना कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से रखा गया ये, और अब मैंने इस पर पनीर की क्रीम रखी थी, क्योंकि ये हमारे क्रीम नहीं मिलती जो रेडीमेड होती बाज़ार में, खुद से क्रीम बनानी पड़ती है। इसके लिए मेरे पास इतना मटेरियल नहीं था, तो मैंने ऐसे ही राजी बोल रहा था कि मम्मा आप ऐसे ही दे दो, ये मत लगाओ, ऐसे दे दो। फिर मैंने फिर थोड़ी सी कोशिश की है इसको सजाने की, और ये
पनीर की क्रीम बनाई थी। और राजीव बाप बार बार बोलता, मम्मा बहुत टेस्टी था, आप प्लीज़ बनाना, दोबारा से बना दो, दोबारा से बना दो, अब मैं कभी आपको दूसरा केक बनाऊंगी, सूजी का नहीं बनाऊंगी। जैसे कप केक होता है ना, वैसे से ही हो गया ये, और टेस्टी बना हुआ था। आपको ये कैसी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।